SC Verma capacitors ka numerical 27. Find the capacitance of the combination shown in figure between A and B. तो मैं 27 numerical में इस तरह का combination दिया हुआ है capacitors का, यहाँ पे 2 microfarad, फिर उसके साथ series में 2 microfarad, फिर यहाँ पे 1 microfarad, 2, 1, 2, 1, 2, और A, A और B. हमें कहा है कि A और B के बीच में ये जो combination है उसका equivalent capacitance find करो. तो ये न्यूमेरिकल हमें स्पेशली, ये तो न्यूमेरिकल थोड़ा इजी लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो कॉन्सेप्ट से हम न्यूमेरिकल 28 और 29 ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले. तो हमें ये इस तरह से दिया हुआ है. अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड ये दोनों सीरीज में है, एक का एंड और यहाँ पे दूसरे का फर्स्ट कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट और सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट एक दूसरे को कनेक्टेड है, और एक एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे, मतलब वो सीरीज में है, सीरीज में होगा. तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम फाइंड करेंगे. तो वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या आएगा, सीरीज में 2 × 2, सीरीज में आता है तो हम लिखते हैं कि 1 upon Cs = 1 upon C1 + 1 upon C2, मतलब इसे लिखते हैं ए सी टू इधर और ए सी वन यहाँ पे और डिवाइड बाय C1 × C2, ये आएगा 1 upon Cs. इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका वन इनवर्स आएगा Cs = C1 C2 upon C1 + C2. तो ये सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है एक कैपेसिटर इंटू दूसरा कैपेसिटर डिवाइड बाय एक कैपेसिटर प्लस दूसरा कैपेसिटर, मतलब ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 / 2 + 2, मतलब पहला ये जो सीरीज में है उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, ये 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 4 और 2 + 2 = 4, मतलब ये आया 1 microfarad. ये आ गया 1 microfarad. ये दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटेंस आ गया 1 microfarad. तो दोनों के जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाएंगे हम, दोनों के जगह पे एक ही कैपेसिटर लगाएंगे और इसकी दोनों के जगह पे इसकी वैल्यू आएगी 1 microfarad. अब ये 1 microfarad और ये 1 microfarad ये आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, पहला कैपेसिटर प्लस दूसरा कैपेसिटर, मतलब ये क्या आएगा, पहला कैपेसिटर 1 microfarad प्लस दूसरा भी 1 microfarad, मतलब ये पैरेलल में आएगा 2 microfarad, मतलब ये दोनों का इक्विवेलेंट आएगा 2 microfarad. तो वो दोनों की जगह पे हम यूज करेंगे एक ही कैपेसिटर, दोनों की जगह पे यूज करेंगे एक ही कैपेसिटर, अब इसकी वैल्यू आएगी 2 microfarad. अब ये 2 microfarad और ये 2 microfarad सीरीज में है और सीरीज में होता है तो इस तरह से हमने किया था कि दो और दो कैपेसिटर 2 microfarad और 2 microfarad का कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज में था तो ये हमने किया था, तो यहाँ पे उसका आंसर 1 microfarad आया था, मतलब यहाँ पे भी ये 2 microfarad और 2 microfarad सीरीज में है तो उनका आंसर 1 microfarad आएगा. तो ये दोनों की जगह पे एक ही कैपेसिटर यूज करेंगे और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, तो यह आएगी 1 microfarad. और 1 microfarad और 1 microfarad यहाँ पे देखा हमने कि जो पैरेलल होते तब उसकी वैल्यू आती 2 microfarad, मतलब ये दोनों के जगह पे हम यूज करेंगे 2 microfarad वाला कैपेसिटर. तो ये आएगा यहाँ पे था, ये आएगा 2 microfarad का कैपेसिटर. अब ये दोनों सीरीज में है तो 2 microfarad का कैपेसिटर सीरीज में होगा तो उसका इक्विवेलेंट आता है 1 microfarad, मतलब ये दोनों के जगह पे यूज करेंगे 1 microfarad का कैपेसिटर. तो यहाँ पे 1 microfarad का कैपेसिटर और 1 microfarad और 1 microfarad जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते तो उसकी वैल्यू आती 2 microfarad, मतलब इसके जगह पे 2 microfarad का कैपेसिटर यूज करेंगे. अब ये 2 microfarad और ये 2 microfarad कैपेसिटर सीरीज में है तो सीरीज में है तो उसका कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा 1 microfarad. तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा 1 microfarad. तो ये तो आंसर मिल गया, लेकिन यहां से हमने जो जो आंसर आ गया इनका दोनों का 1 microfarad, फिर 1 और 1 पैरेलल में होते थे तो फिर से 2 microfarad, फिर से 1 microfarad, फिर से 2 microfarad, फिर से 1 microfarad. इसका मतलब अगर इनके बीच में कहीं पे ये जैसे कि
ये जो सीरीज है 2-1 2-1 2-1, इसके तरह अगर इसके बीच में और भी कुछ स्टेप्स ऐड कर दी, कुछ यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड लगा दिया, 1 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, फिर 1 माइक्रोफेराड, फिर 2 माइक्रोफेराड, फिर 1 माइक्रोफेराड, फिर तो क्या आंसर में चेंज आएगा? फिर भी अगर करेंगे तो यही आंसर आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड, फिर 2 माइक्रोफेराड, फिर 1 माइक्रोफेराड, फिर 2 माइक्रोफेराड, फिर 1 माइक्रोफेराड, इस तरह से और भी ऐड करेंगे तब भी आंसर यही आएगा, क्योंकि आंसर रिपीट हो रहा है। एक बार 1 माइक्रोफेराड आ रहा है, फिर 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। कंसेप्ट यहाँ पे है कि इसके बीच में कितना भी, ये दो जो एंड जिनके बीच में हमें कैपेसिटर फाइंड करना है, मतलब अब ए एंड यहाँ पे आ गए, ए और ए बी, इनके बीच में कितने भी इस तरह के कॉम्बिनेशन लगा दिए, ऐड कर दे, तो भी हमारा आंसर यही आने वाला है, फाइनल आंसर यही आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल 28 और 29 न्यूमेरिकल में हमें ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि इस तरह के कितने भी कॉम्बिनेशन अगर हम ऐड करते हैं तो भी आंसर पे कोई चेंज नहीं आने वाला। ये कॉन्सेप्ट 28 और 29 न्यूमेरिकल में यूज करना है।